हेलो एवरीवन, आवर टुडेस टॉपिक इज माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। और उसमें सबसे पहले समझते हैं हार्मफुल एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल का मतलब क्या है? बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। हम जानते हैं कि हम जब भी फार्म के अंदर कोई क्रॉप कल्टिवेट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे डिजीजेज होते हैं। डिजीज कॉजिंग पेस्ट प्लांट्स के अंदर डिजीजेस करती है और काफ़ी इंसेक्ट हमारे क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, जो हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन को डाउन करता है। हम अपने क्रॉप को बचाने के लिए कन्वेंशनल तरीके का यूज़ करते हैं और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल यूटिलाइज करते हैं। ये केमिकल्स क्रॉप के अंदर डिजीज और इंसेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और हमारा प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। ये कन्वेंशनल तरीका है जो सालों से यूज़ होता हुआ आया है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिपेंडेंट होने के बाद हुआ। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके कुछ सालों बाद हमने हाइब्रिड स्पीशीज फॉर्म की, जिन्होंने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ग्रीन रिवोल्यूशन किया। और इस ग्रीन रिवोल्यूशन में सपोर्टिव रोल प्ले किया इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ने। ये केमिकल्स इंसेक्ट को मार देते थे और पेस्टिसाइड्स पेस्ट को कंट्रोल करती थी, जो क्रॉप को डिजीज करते थे। और ये दोनों केमिकल्स के यूटिलाइजेशन से हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीमेंट मिला। पर ये कन्वेंशनल जो तरीका है, जिसमें हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स सालों से यूज़ करते आए हैं, ये केमिकल्स के ग्रुप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं। ये ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स को भी हार्म करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इट हैव बीन पोल्यूटिंग अवर एनवायरमेंट, सॉइल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप प्लांट्स। ये एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं, सोइल को ख़राब करते हैं, ग्राउंड वाटर को ख़राब करते हैं। जब आप इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो ये जो केमिकल्स है वो सोइल में जाते हैं। सोइल के अंदर जो फार्मर के लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जैसे अर्थवर्म, ये उनको भी ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से सोइल की इकोसिस्टम है उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। मॉनसून के वाटर के ज़रिए ये रिवर्स, ओशंस और लेक तक पहुँच जाते हैं और वहाँ बायो मैग्निफिकेशन शो करते हैं, जो एनवायरनमेंट का टॉपिक है, जो हमने एनवायरमेंटल सेक्शन में पढ़ा था। ये ग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर देते हैं इस तरीके से। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी अंदर चले आते हैं, सोइल से जब वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट, वाटर मीडियम से ये प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं, वहाँ से वो फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सीस और बीन्स, ग्रेन्स, इन सब के अंदर एंटर हो जाते हैं। और जब ये चीज़ हम एज अ फूड यूज़ करते हैं तो यही केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। और कुछ केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स में ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक है, मतलब कि कैंसर कर सकते हैं। अवर सॉइल इज ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू अवर यूज ऑफ वीडीसाइड्स टू रिमूव वीड्स। हमारे क्रॉप के आजू बाजू में, सराउंड में जो भी एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो हुए होते हैं, अननेसेसरी प्लांट्स, उनको हम वीड कहते हैं। और ये वीड को ख़त्म करने के लिए जो केमिकल स्प्रिंकल किए जाते हैं, जिनको वीडीसाइड्स कहा जाता है, ये भी सॉइल की इकोसिस्टम को, सॉइल को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। और अब बात करते हैं एकदम नए तरीके की, ऑर्गेनिक फार्मिंग। कन्वेंशनल तरीका ये कहता था, कन्वेंशनल टेक्निक ये कहती थी कि क्रॉप को डिजीज करने वाले इंसेक्ट और पेस्ट को रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं और वीड्स को कंट्रोल करने के लिए वीडीसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। पर ये केमिकल्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल थे। इसका अल्टरनेटिव वे हमने ढूंढ निकाला, जो था ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल्स का यूज़ नहीं करता, ये केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह नेचुरल फर्टिलाइज़र को यूज़ करने की कोशिश करता है। इस तरीके से यहाँ जो भी क्रॉप डेवलप होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होते हैं और इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, जिनको हम एग्री केमिकल्स कहते हैं। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आप कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं करोगे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड यूज़ नहीं करोगे, तो आपका जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जो इकोनॉमिकली बेटर नहीं है, सस्टेन करने के लिए बेटर नहीं है। तो इसका क्या तरीका ढूंढ निकाले कि जिससे ये केमिकल्स यूज़ भी ना करने पड़े और पेस्ट और इंसेक्ट के सामने हमें प्रोटेक्शन भी मिल जाए। उसी को कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। एग्रीकल्चर के अंदर हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल प्रेडेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। इन एग्रीकल्चर देयर इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस केमिकल्स।
जरूरी नहीं है कि केमिकल्स यूज किए जाए, नेचर ने नेचुरल प्रेडेशन फॉर्म कर रखा है। आप जानते हैं फूड वेब के जरिए कि कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी का फूड है। हर एक ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पे डिपेंडेड है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को प्रेडेट करता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म किसी तीसरे ऑर्गेनिज्म को प्रेडेट करता है। तो यहाँ पर यही टेक्निक यूज की जा सकती है। हमारे क्रॉप में जो भी इंसेक्ट डिजीज कॉजिंग है या क्रॉप को हार्म करते हैं, हम उन इंसेक्ट को खाने वाले प्रेडेटर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हमारे फार्म में, जो ये इंसेक्ट है जो क्रॉप को हार्म करते हैं उनको खा जाएंगे। इस तरीके से क्रॉप को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। बहुत ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में हमने पढ़ा था, जितने ज़्यादा अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स या जितनी ज़्यादा वेराइटी वाली स्पीशीज इस अर्थ पे अवेलेबल होगी, उतनी ही इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल रहेगी। ज़रूरी है कि स्टेबल इकोसिस्टम के लिए डाइवर्सिटी हो। अगर ऑर्गेनिजम्स ख़त्म होने लगेगी, उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने लगेगी, तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस में आ सकती है। और ये जो केमिकल्स हम यूज़ करते आ रहे कन्वेंशनल टेक्निक के ज़रिए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, और इन सब की वजह से हमें काफ़ी डैमेज हुआ है सोइल इकोसिस्टम में। द मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबिलिटीज। जैसे हमने बताया, जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी, जितने ज़्यादा अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स किसी इकोसिस्टम में प्रेजेंट होंगे, तभी वो इकोसिस्टम सस्टेनेबल हो सकती है, तभी वो इकोसिस्टम स्टेबल हो सकती है। पर हमने तो इंसेक्टिसाइडल ड्रग्स के बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से सोइल इकोसिस्टम को ख़राब कर दिया। फिलहाल प्रेजेंट मोमेंट पे वो हमें बहुत बेटर लग रहा है, क्योंकि इन दवाइयों के, इन केमिकल्स के यूज़ करने से हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है और उससे हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पर ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट आर नॉट eradicated but instead are kept at manageable level by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem. Ecosystem को living रखना है, stable रखना है, sustain करना है, vibrant रखना है, balance बनाए रखना है। Ecosystem balance में रहेगी, उसी में हमारा existence भी है। Human species का existence ecosystem के existence पे है, और ecosystem का existence है वो biodiversity पे है। जितने ज़्यादा अलग अलग organisms और species ecosystem में रह पाएगी, stable होगी, उतनी ecosystem stable होगी। तो हमें एक ऐसी system create करनी है, organic farmer एक ऐसी system create करता है कि वो जो disease causing organisms है, जो pest है, जो insect है, उसको completely remove करने की सोच नहीं रखता, वो उनको मैनेजेबल लेवल पे रखने की सोच रखता है। हमें उनको इतना कम कर देना है कि जिस वजह से वो हमारे क्रॉप को डैमेज ना कर पाए। हमें उनको ख़त्म नहीं करना, क्योंकि कोई भी स्पीशीज़ अगर ख़त्म हो जाती है तो उसकी सीधी इफ़ेक्ट इकोसिस्टम पे देखी जा सकती है। इकोसिस्टम जो है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी है वो लूज़ कर देगी। Conventional farming practices which often use chemical methods to kill both useful and harmful life. जब हम chemicals का use करते हैं, agri chemicals जैसे herbicides, insecticides, उसके साथ साथ weedicides, ये सारे chemicals जब हम use करते हैं तो ये सिर्फ harmful organisms को नहीं मारते, ये crop को ख़राब करने वाले जो भी स्पीशीज से ऑर्गेनिज्म से इंसेक्ट है उनको ही ख़त्म नहीं करते। इनके साथ साथ जो अच्छे ऑर्गेनिज्म है, जो सोइल की इकोसिस्टम को मेंटेन किए हुए हैं, जो फार्मर के फ्रेंड्स हैं, उनको भी ख़त्म कर देते। जैसे कि अर्थवर्म, पुराने समय में अर्थवर्म की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। अर्थवर्म सोइल की पोरोसिटी मेंटेन रखते हैं, जिस वजह से जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहता है। पर अब देखिए, ढेर सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने की वजह से अर्थवर्म की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है। हम जानते हैं कि अर्थवर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड यूज़ कर लेता है, और फिर जब वो एक्सक्रीट करता है तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो प्लांट के रूट्स ईजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स भी अब हमें नहीं मिल रहा। The organic farmers holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable.
ऑर्गेनिक फार्मर की जो सोच है वो ये है कि कोई भी स्पीशीज जो आपको लगता है कि हार्मफुल है, जैसे पेस्ट जो आपके क्रॉप में, आपके फार्म में, आपके कल्टीवेट किए हुए प्लांट्स में इन्फेक्शन करती है, डिजीजेस करती है, क्योंकि वो आपके क्रॉप को ख़राब करती है इसलिए वो आपको हार्मफुल लग रही है, पर ऐसा नहीं है। नेचर ने अगर उनको बनाया है तो डेफिनेटली इकोसिस्टम में उनका कोई ना कोई रोल होगा। उनको कम्प्लीटली रिमूव करना, ये बात हमारे दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए और वो पॉसिबल भी नहीं है। और अगर ये हो गया तो इकोसिस्टम बैलेंस में नहीं रहेगी, सस्टेनेबिलिटी उसकी बिगड़ जाएगी और ये चीज़ अनडिज़ायरेबल भी है। फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड द पैरासाइटिक इंसेक्ट्स विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर ये पेस्ट मर जाएंगी, अगर वो इंसेक्ट मर जाएंगे जो हमारे क्रॉप को आज हार्म कर रहे, तो जो किसी का खाना था, ये पेस्ट ये इंसेक्ट किसी का खाना था, कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी थे जो इनके ऊपर एज अ फूड डिपेंडेड थे, ये इंसेक्ट किसी के होस्ट भी थे, तो वो वाले ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से एक स्पीशीज के खत्म होने से सिर्फ एक नहीं पर बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो जाती हैं। इसीलिए किसी भी पेस्ट को कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नेचर ने कोई ना कोई उसका की रोल रखा है इकोसिस्टम में। अगर ऐसा होता है, वो खत्म हो जाते हैं, तो इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी। तो हमने जिसे देखा कि हम पेस्ट या ऐसे इंसेक्ट जो हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल है उनको कम्प्लीटली रिमूव करने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि वो इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो बनाए हुए हैं, उनका भी कोई ना कोई इस एनवायरनमेंट में रोल है, पर हम उनको नरिश भी नहीं कर सकते। हमें रोकना तो उनको डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उनको रोकेंगे नहीं, हम उनकी पॉपुलेशन को, उसके नंबर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारे क्रॉप को हार्म करेंगे और हमारा प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। Use of biocontrol measures will greatly reduce our dependency on toxic chemicals and pesticides. ये काम करेगा biocontrol, पर हम toxic chemicals और pesticides को बिल्कुल use नहीं करेंगे, क्योंकि वो environment, ecosystem, soil सबको ख़राब करता है और even हमारी body के लिए भी harmful है। हम biocontrol agents को use करेंगे। In biological farming approach, we have to become familiar with various information about pest. तो हम पेस्ट को कम्प्लीटली तो ख़त्म नहीं करेंगे, बस सिर्फ उनकी पॉपुलेशन, उनके नंबर को कंट्रोल करेंगे, जिससे क्रॉप में होने वाला डैमेज जो है उनको रोका जा सके। पर हमें बायोलॉजिकल फार्मिंग करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए पेस्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है। जो पेस्ट हमारे प्लांट्स को, क्रॉप्स को डिजीज़ करती है, उनके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके हम उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरी है? वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहैबिट द फील्ड, जो हमारा फील्ड है, जो हमारा खेत है, वहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, किस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, किस किस्म की पेस्ट और इंसेक्ट पाए जाते हैं, प्रीडेटर्स एज वेल एज पेस्ट। डेफिनेटली हर एक ऑर्गेनिज्म को मारने वाला, खाने वाला, उसको ख़त्म करने वाला कोई ना कोई प्रीडेटर ज़रूर होता है, जैसे गोट, शीप, काउ, बफेलो, इन सबको खाने के लिए नेचर ने लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स फॉर्म किए हैं। आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि जो आपके क्रॉप को ख़राब करती है, वो पेस्ट को खाने वाले प्रीडेटर्स कौन से हैं। देयर लाइफ साइकल्स, पेस्ट की लाइफ साइकिल समझनी पड़ेगी, कैसे बर्थ लेते हैं, उनका लाइफ साइकिल कैसे मूव होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कौन सी सीज़न को ज़्यादा प्रिफर करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, कौन सी सीज़न, कौन सा वेदर उनको ज़्यादा सपोर्टिव है, पैटर्न ऑफ फीडिंग, क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, कौन से प्लांट्स पे ज़्यादा डिपेंडेड है, द हैबिटेट्स दैट दे प्रिफर, और कौन सी जगह, कौन सी हैबिटेट उनको सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ये इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। तो हमने बहुत समझ लिया कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए एग्री केमिकल्स। पर अब ये तो समझे कि एग्री केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे तो क्रॉप को डिजीज से बचाएंगे कैसे, क्या टेक्निक है वो बायो कंट्रोल एजेंट्स की, किस तरीके से करते हैं ऑर्गेनिक फार्मर अपने क्रॉप का प्रोटेक्शन। तो सबसे पहला उसमें है लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज। फर्स्ट फिगर में आपको लेडी बर्ड दिखाया है, ये बहुत फेमिलियर बीटल है, द वेरी फेमिलियर बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स। द लेडी बर्ड इज यूजफुल टू गेट राइड ऑफ एफिड्स।
ये जो लेडी बर्ड है बहुत फेमिलियर है, ये बीटल है और इसके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोटो फोटोग्राफर्स ने खींच रखे होंगे और ये आप गूगल्स पे भी देख सकते हैं, काफ़ी फेमिलियर बीटल है। इसकी काफ़ी फ़ोटोज़ HD में लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन्स पे लगाते हैं और अपने मोबाइल की स्क्रीन्स पे लगाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल दिखता है ये इंसेक्ट जो आप फिगर में देख पा रहे हैं, जिनका नाम लेडी बर्ड है। ये एक बीटल है। ये लेडी बर्ड यूज़फुल है एफिड्स नाम के जो छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। आप फिगर में जो अदर इंसेक्ट देख रहे हैं वो एफिड्स हैं, ये लीफ और स्टेम के ऊपर चिपके रहते हैं और वहाँ से सक करते रहते हैं प्लांट के न्यूट्रिशंस को और प्लांट के लीव्स और स्टेम सिस्टम को ख़राब कर देते हैं, ये उनको खा जाता है। तो अगर आपके प्लांट्स में बहुत सारे रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स वाले लेडी बर्ड हो गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि वो आपके क्रॉप के अंदर एफिड्स को नहीं आने देंगे और आपके क्रॉप को प्रोटेक्शन मिलेगा। सेकेंड इज़ ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाइज इज़ यूजफुल टू गेट राइड ऑफ मॉस्किटोज। जब मॉस्किटोज लावा फॉर्म में होते हैं, पानी के अंदर जब डेवलप हो रहे होते तब ये ड्रैगन फ्लाइज उनको फूड की तरह खा जाता है। इस तरीके से मॉस्किटोज से हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। हम जानते हैं कि मॉस्किटो वेक्टर है काफ़ी डिजीजेस स्प्रेड करने के लिए। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारे डिजीजेज मॉस्किटोज के थ्रू स्प्रेड होते हैं और हम ड्रैगन फ्लाइज के ज़रिए मॉस्किटोज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है बायो कंट्रोल एजेंट्स, जैसे लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाइज, ये बायो कंट्रोल एजेंट्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करेंगे हम क्रॉप को ख़राब करने वाले ऑर्गेनिज़म्स को मारने के लिए। यही टेक्निक है बायो कंट्रोल एजेंट्स की और इन्हीं टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में। सेकेंड बायो कंट्रोल एजेंट इज BT। BT एक शॉर्ट फॉर्म है बैक्टीरिया का, इसका फुल फॉर्म है बेसिलस थुरेनजिएंसिस। बेसिलस से बी लिया है और थुरेनजिएंसिस से हमने टी लिया है। BT एक बैक्टीरिया का शॉर्ट फॉर्म है और ये बैक्टीरिया हमें काम में आता है बटरफ्लाई जो है वो जिससे फॉर्म होती है वो कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए। तो बैक्टीरिया बेसिलस थुरेनजिएंसिस BT इज यूज्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। दिस आर अवेलेबल इन साचेट्स एज ड्राइड स्पोर्स। इनके साचेट्स अवेलेबल होते हैं, इनके अंदर ये ड्राइड स्पोर्स के फॉर्म में होते हैं विच आर मिक्स्ड विथ वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू वल्नरेबल प्लांट सच एज ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज। इसको पानी के साथ मिक्स करना है, फिर जिस क्रॉप पे इन्फेक्शन लगा हुआ है उन क्रॉप पे आपको स्प्रिंकल करना है, जहाँ कैटरपिलर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म हो चुकी है वहाँ आपको स्प्रिंकल करना है। और ये ब्रासिका जो है उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और फ्रूट ट्रीज में। दिस आर ईटन बाई दी इंसेक्ट लावा। आपने वाटर में BT को मिक्स करके स्प्रिंकल कर दिया, अब जब वो कैटरपिलर की लावा है वो लीव्स को खाएगी तो वो लीव्स के ऊपर जो BT बैक्टीरिया जो थे वो जो चिपके हुए थे वो उनकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। इन दी गट ऑफ दी लावा द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड दी लावा गेट किल्ड। जैसे ही ये बैक्टीरिया लावा की बॉडी में जाएगा तो उनके गट के अंदर ये टॉक्सिन रिलीज होगा। ये BT जो है बैक्टीरिया वो स्पेशल किस्म का एक स्पेशल टाइप का टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करते हैं जैसे ही लावा के गट में पहुंचते हैं और इस तरीके से जो लावा है वो मर जाते हैं। तो कैटरपिलर से हमें जो डैमेज होता था वेजिटेबल्स के अंदर ये घुस जाती है, हमारे फ्रूट्स को ख़राब कर देती है, ये लीव्स को खा जाती है और हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन को डाउन करती है, ये ऐसे हम ख़त्म कर सकते हैं। ये बात आपको खास नोट करनी है कि BT जो भी टॉक्सिन सब्सटेंस फॉर्म करता है ये हमारे लिए, प्लांट के लिए और इवन इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल ही नॉन हार्मफुल है। BT प्लांट्स ये एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हमने जो ये BT बैक्टीरिया थे बेसिलस थुरेनजिएंसिस उसमें से ढूंढ निकाला कौन से जीन से जो ये बैक्टीरिया में टॉक्सिन सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने बैक्टीरिया में से वो जीन्स ढूंढ निकाले जो टॉक्सिन बनाते थे और ये टॉक्सिन कैटरपिलर्स को मार देता था। यही जीन्स को हमने सेपरेट किया बैक्टीरिया से और प्लांट्स में फिट कर दिया और ऐसे प्लांट्स को फिर BT प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। बाय यूजिंग जीनेटिकल इंजीनियरिंग द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस बी थुरेनजिएंसिस टॉक्सिन जीन्स इनटू प्लांट्स। हमने प्लांट्स के अंदर टॉक्सिन सब्सटेंस बनाने वाले BT बैक्टीरिया के जो जीन्स थे उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसलिए अब प्लांट्स ही वो टॉक्सिन बनाने लगेगा। सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंस टू अटैक
बाय इंसेक्ट पेस्ट। अब उनको कैटरपिलर अटैक नहीं कर सकती क्योंकि थोड़ा ही लीव्स वो खाएगी, तुरंत ही प्लांट के अंदर जो टॉक्सिन होगा वो टॉक्सिन कैटरपिलर के गट में जाके एक्टिवेट होगा और कैटरपिलर को ख़त्म कर देगा। इस तरीके से अब हमें सैचेट्स को पानी में मिला के स्प्रिंकल करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेचुरली जो भी प्लांट्स ग्रो हो गए सीड से, उनके अंदर खुद म खुद ही ये टॉक्सिन सब्सटेंस फॉर्म होगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 12 में, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में हमें समझाया है। ट्राइकोडर्मा एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा नाम के फंगी की जो बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर कैसे काम करती है। ट्राइकोडर्मा जो है वो फ्री लिविंग फंगी है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंगी दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। पहले तो ये एक फंगस है और ये रूट्स में पाई जाती है। आप फिगर में देखिए, प्लांट्स के रूट्स को इनके फाइबर्स एकदम कवर कर लेते हैं और ये प्लांट्स के रूट इकोसिस्टम में पाई जाती है। फंगस के बारे में हम जानते हैं कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो ऑटोट्रॉफिक बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए कोई अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या तो फिर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के ऊपर। ट्राइकोडर्मा रूट्स को कवर करती है और वहीं से उनको अपना जो खाना है न्यूट्रिएंट्स से वो मिल जाता है। वो प्लांट से अपना खाना लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है और ग्रो होती है। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। फर्स्ट फिगर में आप देखें किस तरीके से ट्राइकोडर्मा ने एक प्लांट के रूट्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया है, पूरा एक मेश, पूरा एक नेटवर्क बना लिया है। सेकेंड फिगर में उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ट्राइकोडर्मा, आप जानते हैं कि फंगी फाइब्रस स्ट्रक्चर शो करती है जिनको हम हाइफे भी कहते थे, तो इनका जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है, हाइफे है, वो ढेर सारे नेटवर्क्स फॉर्म करता है, एक वेब जैसा पैटर्न बनाता है, पूरे रूट्स को कवर कर लेता है, रूट इकोसिस्टम को कवर कर लेता है। और उससे प्लांट्स को क्या फ़ायदा होता है, ये जो फाइबर्स है वो सॉइल से बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स और वाटर खींच निकालेंगे, तो प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में वाटर एंड मिनरल्स मिलेंगे। ये फ़ायदा फंगी ने प्लांट को दिया। सेकेंड, हमने सुना है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, कहीं पर भी कोई एक स्पीशीज ही डोमिनेटिंग हो सकती है, दो स्पीशीज डोमिनेटिंग नहीं हो सकती, किसी जगह पर दो राजा नहीं हो सकते, किसी एक का हारना तय होता है। तो यहाँ पर रूट्स पर अगर फंगस लगी हुई है और ये राजा बन के बैठी हुई है, तो कोई और स्पीशीज़ जो है, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे डिजीज़ कॉजिंग फंगी है, वो रूट को ख़राब नहीं कर पाएगी और ये फंगस रूट सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी। सामने फंगी को क्या फ़ायदा हो गया, इस ट्राइकोडर्मा नाम की फंगी को प्लांट से फूड मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, तो यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे को प्रॉफिट कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा प्लांट को प्रॉफिट दे रही है और उसके साथ साथ प्लांट से ट्राइकोडर्मा प्रॉफिट ले रही है। जब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देती है तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस और म्यूचुअलाइजेशन भी कह सकते हैं। ये एक तरीके का सिम्बायोसिस ही है। तो रूट्स में जो डिजीज़ होते हैं, रूट बॉर्न डिजीज़, जो डिजीज़ प्लांट में सोइल के जरिए रूट्स में होते हैं, अगर आप उनको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा फंगी को यूज़ कर सकते हैं, वो रूट डिजीज़ को प्रिवेंट करेगा। बकुलो वायरस एज बायो कंट्रोल एजेंट, ये लास्ट बायो कंट्रोल एजेंट है जो हमारी बुक ने हमें समझाया है। चलिए देखते हैं कि बकुलो वायरस किस तरीके से क्रॉप को, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। बकुलो वायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। पहली चीज़ तो ये पैथोजन है, पैथोजन का मतलब ये डिजीज़ करता है। वायरल डिजीजेस के बारे में हम जानते हैं, ह्यूमंस के अंदर HIV है, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस है, काफ़ी ऐसे वायरल डिजीज़ है जो बहुत कॉमन है। बकुलो वायरस भी डिजीज़ करता है, पर किन को ये डिजीज़ करता है, इंसेक्ट को, जो कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। आर्थ्रोपोडा, हम जानते हैं कि जो इंसेक्ट है वो आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर आते हैं। द मेजोरिटी ऑफ बकुलो वायरस इज यूज एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। पहली तो चीज़, बकुलो वायरस को न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस की कैटेगरी में हमने इंक्लूड किया है। बकुलो वायरस को बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज किया जाता है। ये प्लांट्स को इन्फेक्ट नहीं करता, थोड़ा मतलब कुछ जो इसका लिमिटेड इंसेक्ट ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप है जनरली, उसको इन्फेक्ट करता है। दिस वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है,
ये वायरसेस कुछ सिलेक्टेड इंसेक्ट को ही मारते हैं, पर्टिकुलर इंसेक्ट की जो स्पीशीज है उसके लिए ही स्पेसिफिक है। नैरो स्पेक्ट्रम है इसका, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब ये बहुत सारे इंसेक्ट को नहीं मार देता, जो हमारे क्रॉप को डैमेज भी नहीं करते, जो हमारी इकोसिस्टम को मेंटेन किए हुए सॉइल इकोसिस्टम को, जो हमारे क्रॉप के लिए फ्रेंडली है, ये वो इंसेक्ट को नहीं मारता, ये सारे इंसेक्ट को नहीं मारता, इसका बस एक छोटी सी बाउंड्री, एक छोटा सा ग्रुप है इंसेक्ट का, बस उसी को ये इन्फेक्ट करता है, इसलिए हमने वर्ड नैरो स्पेक्ट्रम यूज़ किया। और ये इंसेक्ट मारता है इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट को मारने वाला। तो जो प्लांट में डैमेज करते हैं, जो क्रॉप को ख़राब करते हैं, ऐसे कुछ इंसेक्ट को आप बकुलो वायरस की हेल्प से मार सकते हैं। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन ऑन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट। अगर हम ये बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करते हैं तो ये बायो कंट्रोल एजेंट्स जो है, जैसे बकुलो वायरस हैं, जैसे BT हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, ये प्लांट्स को कोई नेगेटिवली हार्म नहीं करती, ये मैमल्स, बर्ड्स, फिश, इन सब को कोई नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं करती, इवन ये नॉन टारगेटेड इंसेक्ट के लिए भी हार्मफुल नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कम करती है जो इंसेक्ट हमारे क्रॉप को डैमेज करते हैं। कन्वेंशनल टेक्निक में क्या प्रॉब्लम था, उसमें जो भी एग्री केमिकल्स यूज़ होते थे वो क्रॉप में रेजिस्टेंस तो लाते थे, वो क्रॉप को प्रोटेक्ट तो करते थे, पर उसके साथ साथ प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश, इवन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट, सॉइल इकोसिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट उससे ख़राब होता था। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। ये सिस्टम का सबसे ज़्यादा फायदा हमें तब मिलता है कि जब ऐसी जगहों पे हम कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट ग्रुप को मारना चाहते हैं, पर हम स्पेशली वहाँ की इकोसिस्टम कंजर्व करना चाहते हैं, वहाँ जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते, तब आप IPM यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो रिसर्च के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो बायोडाइवर्सिटी के एंगल से भी यूज़फुल है, वहाँ अगर आप कन्वेंशनल तरीका यूज़ करोगे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करोगे, तो नॉन हार्मफुल इंसेक्ट जो है और जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो भी मर जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जबकि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ वही इंसेक्ट को किल करेगा, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करेगा जो हार्मफुल है, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट को बचाए रखेगा।